सबसे पहले तो वेबसाइट पे आ जाते हैं अपन, और आज जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं सबको एक एक करके काम की बात जो होगी उस पर थोड़ा रुकेंगे, ध्यान से देखेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट, और इसमें आ जाते हैं अपन डायरेक्टली जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसमें। ये लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है, इधर खाली पड़ा है ना पूरा का पूरा बैच। और शुरुआत हुई है यहाँ से 11:05, पहले इसी नोटिफिकेशन को देख लेते हैं अपन। तो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ भाई जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम जो है दिल्ली रोड कूकस जयपुर में होना है, और कॉलेजेस पहले से यहाँ पे इस बार एक सिंगल कॉलेज रखा है, आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा क्यों है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कॉलेज 3-4 रख देते तो फिर वो कीबोर्ड वाला झंझट रहता कि पता नहीं मेरे कौन सा कीबोर्ड आएगा। हम आर्या का बताते हैं, फिर आप कहते संकरा का बताओ सर, संकरा का बताते, फिर 3-4 कीबोर्ड लेके आने पड़ते। अब अगर अभी प्रेजेंट टाइम में वैसे डेली होना चाहिए, अगर कुछ अलग हुआ तो हम वो कीबोर्ड लेके अगले 15 दिन उस पर कर लेंगे। अब जो आपके रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपके शिफ्ट और टाइमिंग्स है। कल ही हुआ था डिस्कशन हमारा इस टॉपिक पे, या परसों हुआ था, कल मीटिंग हुई थी और आज आपके सामने शेड्यूल सारे आ गए हैं। अब ये तो आपने सबने अपने अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग देख लिया होगा सारा कैलकुलेशन, 4 दिन चलेगा ये, ठीक है, और इसी महीने में आप पूर्णतया बेरोजगारी के शब्द से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, यस और नो? मैं जब टाइपिंग करवाता हूँ तब तो ये यस सर नहीं आता है, जोर आता तब। अब देखिए इसके बाद सेकंड नोटिफिकेशन क्या आ रहा है। सेकंड नोटिफिकेशन है एडमिशन कार्ड फॉर टाइपिंग राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। तो ये भाई जो एडमिट कार्ड है वो आपके जारी हो चुके हैं और अपलोड भी हो चुके हैं, और आपने निकाल भी लिए होंगे। सबने इतना ज़रूर देख लिया होगा कि मेरा किस डेट को एग्ज़ाम है और किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है, ये ज़रूर आपने देख लिया होगा। तो जिस शिफ्ट में है उसके अकॉर्डिंग आपका, मान लीजिए 10 की शिफ्ट में है, जो भी शिफ्ट बने हुए हैं, जैसे अभी हमने शिफ्ट देखे थे, तो आपका जिस भी शिफ्ट में है, 12 से 9 से 3:30 से जिस भी शिफ्ट में है, आज से ही एक हैबिट डाल लीजिए, उस पर्टिकुलर टाइम पे एक अलार्म लगा दीजिए कि हर दिन मुझे कम से कम 20 मिनट तक, यानी कंटिन्यू 2 टेस्ट इस टाइमिंग पे देने हैं आज से ही। जो आपकी टाइमिंग एडमिट कार्ड में है उसके अकॉर्डिंग आज से ही आदत डाल लीजिए कि मुझे मेरे टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि होता क्या है कि किसी किसी बच्चे का 12 बजे नींद लेने का टाइम है और एडमिट कार्ड में उसके टाइम ही 12 बजे आया है, तो वो थोड़ा सा अपने हैबिट को बदले। अगर आपका 12 बजे है तो 12 बजे रोजाना आप 2 टेस्ट हिंदी के, 2 टेस्ट इंग्लिश के, उस मूवमेंट पर तो पक्का लगाए, बाकी काम तो करना ही है, उस टाइम पर वो टेस्ट ज़रूर लगाए। और जैसे आपके टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग आप 2 टेस्ट की उस टाइमिंग पे फिक्स आदत डाल लीजिए। अब आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। जिनका टाइप टेस्ट नहीं होना है, जैसे पीएच कैंडिडेट है उनका टाइप टेस्ट नहीं होना, तो इस लिस्ट से तो हमें तो कोई मतलब नहीं है। ऊपर चलते हैं, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट। तो इससे ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसका एक एक बिंदु काम का है हमारे लिए, तो इसको ध्यान से देखना है। इसमें जितने भी बिंदु है इनको ध्यान से समझना है कि क्या कौन सा बिंदु क्या बात कर रहा है। अभ्यर्थी राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक एडमिट कार्ड पर क्लिक करके अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आपने कर लिया होगा, ठीक है, और वही रंगीन फोटो 2.5 2.5 वाली, ठीक है। ऐसी अभ्यर्थी जिनके पास प्रवेश पत्र नहीं है उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और मेरा एक टेस्ट पहले ही मैं कंडक्ट करवा चुका हूँ एग्जाम से पहले, बिल्कुल इसी पैटर्न का एक टेस्ट और मैं कंडक्ट करवा दूंगा, जिसमें इसमें जितनी बातें रखी गई है
उन सभी को मैं ध्यान में रखते हुए कंडक्ट करवा दूंगा, ठीक है? आजा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रवेश पत्र व रंगीन फोटोग्राफ के अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने साथ निम्नलिखित चीजें लेकर आना अनिवार्य है। तो एक तो आईडी कार्ड और एक नीला काला बोल पॉइंट पेन, एक पेन लेकर आपको जाना है। अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति पर रोल नंबर अंकित करे। इसका मतलब आपको एक कॉपी लेना है, उस पर अपना रोल नंबर अंकित करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। अभ्यर्थी अपने साथ 50 मिलीलीटर की सैनिटाइजर बोतल या पानी की पारदर्शी बोतल ला सकते हैं, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं आप लेके जाएं। परीक्षा केंद्र में ये वो काम की बात है नहीं इसमें। प्रत्येक अभ्यर्थी को फेस मास्क पहनना होगा, वो वहीं पर दे देंगे आपको, आपको लेके नहीं जाना है। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में उल्लेखित रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में परीक्षा लैब में उसके लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे। ऑलरेडी जो हमने टेस्ट वन कंडक्ट करवाया था, अगर आपको याद हो तो उसमें क्या लिखा हुआ था, सीट नंबर याद है आपको, रोल नंबर के साथ सीट नंबर दिया था ना आपको एडमिट कार्ड में, तो एग्जैक्टली जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें भी सीट नंबर रोल नंबर अवेलेबल होंगे, उस सीट पर जाकर आपको बैठना है। ऐसा भी लग सकता है कि ये वाली लाइन बिल्कुल भी काम की नहीं हो जब आप वहाँ पर जाए सेंटर में, अभी लिख दिया गया बस, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। इसके बाद में ये वाली बात हमारे काम की नहीं है, लेखन सामग्री आदि का आदान प्रदान पूर्णतः निषेध है। परीक्षा केंद्र की तिथि व शिफ्ट में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा समाप्त होने पर निरीक्षक द्वारा निर्देशित नहीं किए जाने तक अभ्यर्थी अपनी सीट से ना उठे। अभ्यर्थी जो नोडल अधिकारियों निरीक्षक द्वारा किए गए निर्देशों की अवज्ञा करता है तो ये तो बहुत अच्छा बंदा होगा, इसे बाहर निकाल देंगे। कंप्यूटर टेस्ट की प्रक्रिया, और हमारे लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है, अभ्यर्थी निरीक्षक एवं स्पीकर के माध्यम से दिए जा रहे निर्देशों का अनुपालना करे, ठीक है? जैसे जैसे वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपको डे वन से मैं बोल रहा हूँ को आपको अपनी इंटेलिजेंसी नहीं लगानी, जैसा आपको बोला जा रहा वैसे वैसे करते जाएं, ठीक है? एक बार परीक्षा कक्ष में प्रवेश किए जाने के पश्चात कंप्यूटर टेस्ट की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी अपने कंप्यूटर पर यूज़र आईडी और पासवर्ड की एंट्री कर लॉगिन कर सकेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर उनका सही नाम व रोल नंबर प्रदर्शित हो रहा है, यह आपको चेक करना ही है। अभ्यर्थी कंप्यूटर के सहायक उपकरणों जैसे कि कीबोर्ड मॉनिटर माउस आदि की जांच कर सकेंगे। इस हेतु उन्हें अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे आइकन पेरिफेरल चेक पर क्लिक करें। अभ्यास के लिए कुछ टाइप करना होगा, यदि कोई उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है तो अभ्यर्थी निरीक्षक से उसे बदलवाने का अनुरोध करेंगे। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत बार आप सोचते हैं क्या ही फ़र्क पड़ेगा, हर चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई चीज़ ख़राब है डैमेज है तो आप उसको चेंज करवाएं, और ये आपकी पूर्णतः आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सेंटर वालों को आपसे कोई मतलब नहीं है। तो चेंज करवाने का काम जो है वो आपको स्वयं करवाना होगा। शोरगुल नहीं करेंगे, धैर्यपूर्वक उक्त उपकरण के ठीक किए जाने के प्रतिस्थापित किए जाने का इंतज़ार करेंगे। उपकरणों के ठीक पाए जाने के पश्चात अभ्यर्थी क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे जो पेरिफेरल चेक वाला है। ये पेरिफेरल चेक आप अपने लैपटॉप में अभी भी डाल के देख सकते हो। आप जब अभी गूगल पे जाओगे पेरिफेरल चेक नाम से एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। आप चाहते हो कि वहाँ पेरिफेरल चेक कैसा होगा तो वो आप अभी भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? कंप्यूटर टेस्ट जो चरणों गति एवं दक्षता परीक्षा के रूप में लिया जाएगा। लॉगिन के बाद गति परीक्षा प्रारंभ होगी। और मैं पहले क्या करवाता हूँ, हिंदी करवाता हूँ या इंग्लिश? चलो ठीक है। जिसके लिए अभ्यर्थी को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आधे भाग में दिखाई देने वाले गद्यांश को कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे आधे भाग में टाइप करना होगा। तो एग्जाम मोड सोनी में आप वही कर रहे होते हैं, ऊपर का पार्ट जो है वो एग्जैक्टली नीचे आप टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है? अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि के अध्ययन रखते हुए तब तक इसे टाइप कर सकेंगे जब तक कि पूरा गद्यांश टाइप नहीं हो जाता। इस हेतु गद्यांश की विंडो को नीचे स्क्रॉल किया जा सकेगा। यदि समय शेष
बचता है तो गद्यांश को आराम से दोबारा टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका इस लाइन में क्या क्या बातें छुपी हुई वो समझना। इसका मतलब जो पैराग्राफ है वो फिक्स होगा, अगर 10 लाइन का है तो 10 लाइन के बाद में अगर आप 10 के 10 लाइन उस पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट कर देते हैं तो आप वापस से लिखना चालू कर देंगे उसे। बात समझ में आई? इसका मतलब 10 लाइन का पैराग्राफ है, आपने 10 लाइन जो है वो 2 मिनट में निपटा दिए, फटाफट आपकी तगड़ी स्पीड है, आपने कर दिया 2 मिनट में खेल खत्म 10 लाइन का। तो अगले 3 मिनट क्या करोगे, वो जो 10 लाइन आपने लिखे हैं उनमें फिर ऊपर जाएंगे आप और फिर से उसे चालू कर देंगे लिखना। ये वाली बात यहाँ पर है। इस बात से एक बात साबित होती है कि जो वर्ड्स है वो पैराग्राफ है उसमें लिमिट बनाकर वो डालेंगे, ठीक है। अब वर्ड लिमिट जैसे ही कंप्लीट होता आप 2 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वापस ऊपर से चालू कर देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप में से बहुत सारे बच्चे फिर से चालू करने वाली क्षमताएं रखते हैं जो यहां पर बैठे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। गति परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 5-5 मिनट की अवधि की आयोजित की जाएगी। प्रथमतः हिंदी भाषा में गति परीक्षण आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी कंफर्मेशन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, तत्पश्चात अंग्रेजी भाषा में गति परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोनों भाषाओं की गति परीक्षा के मध्य 2 मिनट का अंतराल दिया जाएगा, वही 2017 वाला पैटर्न जो हमारे सोनी में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। एग्जाम मोड 2017 नाम से, तो वो आप काफ़ी टाइम से उस पर काम कर रहे हैं तो आपको सारी गणित उसकी पता है। जो अभ्यर्थी प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं वे स्टार्ट बटन पर क्लिक करके तुरंत अंग्रेजी भाषा की गति परीक्षा प्रारंभ कर सकेंगे। अभ्यर्थी कंफर्मेशन स्क्रीन पर क्लिक करें और मैं आपको यही बोलूँगा पूरे 2 मिनट आराम से वेट करना, ठीक है। अपने आप को एनर्जाइज करना और उसके बाद शुरू करना। कुछ होते हैं ना तुरंत क्लिक किया तुरंत स्टार्ट कर दिया, मेरा मत है ये, आपको लगता है तुरंत क्लिक करके चालू करना आप कर सकते हो। मैंने जो किया 2017 मैंने कहा आराम से 2 मिनट मिल रहे हैं ना तो थोड़ा रेस्ट करके चिल करके फिर बढ़िया एनर्जेटिक करेंगे ना, जल्दी करने की कहाँ जरूरत है, जब 2 मिनट दे ही रहे तो पूरे यूज़ करें उनसे, ठीक है। गति परीक्षा के दौरान डिलीट नेविगेशन एवं स्पेल चेक फंक्शन डिसेबल्ड रहेंगे, किंतु बैक स्पेस कुंजी का सीमित उपयोग, लिमिटेड बैक स्पेस अवेलेबल होगा। आप जब सोनी में जाते हैं तो 3 ऑप्शन आते हैं वहाँ पर, डीएक्टिवेट बैक स्पेस, फुल बैक स्पेस, लिमिटेड बैक स्पेस। तो लिमिटेड बैक स्पेस अवेलेबल रहेगा और लिमिटेड बैक स्पेस का मतलब है अगर आप एप्पल लिख रहे हो तो APPLA आपने लिखा है तो A को हटा के वापस E कर सकते हो, लेकिन अगर आपने एप्पल लिखने के बाद स्पेस दे दिया अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जब तक आप स्पेस की प्रेस नहीं करते तब तक आप चेंज कर सकते हो। ऐसे बच्चे जिनकी स्पीड 40 प्लस है उनको इस लाइन पर गौर फरमाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आप इस चक्कर में जब आप बैक स्पेस यूज़ करने का सोचना शुरू करते हैं आपकी स्पीड जो है वो कम होना चालू हो जाती है सर, ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, यानी कि किसी भी शब्द को टाइप करते समय बैक स्पेस कुंजी उस शब्द की सीमा तक उपयोग में ली जा सकेगी, परंतु शब्द पूर्ण होने पर जैसे ही स्पेस बार प्रयोग करेंगे तो बैक स्पेस कुंजी पीछे के किसी भी शब्द के लिए इनेबल नहीं होगा। इसी तरह दक्षता परीक्षा के दौरान कट कॉपी पेस्ट फंक्शन तथा राइट क्लिक ऑप्शन के अतिरिक्त सभी कुंजियां इनेबल रहेगी। तो कट कॉपी पेस्ट होगा नहीं, कट कॉपी पेस्ट होना नहीं है क्योंकि आपको कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी, ठीक है। तो अब एक बार के लिए मैं उन बच्चों को ये बात पॉइंट करना चाहूँगा जिन्होंने कहा था कि सर सोनी में अगर किसी को सर्च करना है तो कॉपी कर लें, ठीक है, और उसके बाद उसको पेस्ट करके सर्च कर लें। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि सोनी में मोहन सर्च करना है तो मोहन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, कॉपी वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सर्च और फाइंड और रिप्लेस पे जब अपन काम करते हैं तो याद आ गया होगा शायद मुद्दा, है ना। उसके बाद अभ्यर्थी को सख्ती से निर्देशित किया जाता है कि वे अनुमत कुंजियों एवं टाइपिंग हेतु आवश्यक है कुंजियों के अतिरिक्त किसी अन्य कुंजी को ना दबाएं। गति एवं दक्षता परीक्षा का समस्त मूल्यांकन प्रोग्रामेटिक विधि से किया जाता है, अतएव गैर अनुमत कुंजी का उपयोग मूल्यांकन की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है।
जिस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। कोई भी की अलग से आपको प्रेस नहीं करनी है। गति परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात 5 मिनट का समय दिया जाएगा, तत्पश्चात 10 मिनट की अवधि की दक्षता परीक्षा यानी कि एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और पहले ही मैं आपको एक बात बोल चुका हूँ कि 100 क्वेश्चन आपके लिए बनाए जा रहे हैं, याद है आपको, और मैंने कहा था 100 क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ और उसका एक पैराग्राफ है बन चुका है, लगभग 30-40 क्वेश्चन बन चुके हैं, ये 100 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, याद है आपको ये बात। अब इस बात को समझिएगा कि वो वाली बात कैसे लिंक हो रही है, 100 क्वेश्चन बनाने वाली बात कहाँ पर काम आएगी। प्रारंभ होगा उक्त 5 मिनट की अवधि के दौरान अभ्यर्थी को वीक्षक द्वारा दक्षता परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन जो है वो आपको एक पेपर के रूप में दिए जाएंगे, आप उन पेपर में देखेंगे और उनसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसा 2017 में हुआ था, ठीक है, एग्जैक्टली आप उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो वो 100 क्वेश्चन वाली जो डिस्कशन हमारी चल रही थी, 100 क्वेश्चन के PDF सभी को मिल जाएंगे और हर दिन उन 100 क्वेश्चन की PDF जो है वो आपको क्या लगाना है, कॉन्टिन्यूसली टेस्ट लगाना, इस संडे को इवनिंग तक ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। दक्षता परीक्षा की समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा के प्रश्न पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रश्न पत्र वीक्षक के पास आवश्यक रूप से जमा कराएंगे। किसी भी अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा के प्रश्न पत्र अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गति एवं दक्षता परीक्षा की समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को परफॉर्म किए गए टेक्स्ट को सेव सुरक्षित करने हेतु कन्फर्मेशन स्क्रीन पर अनिवार्य रूप से क्लिक करना होगा। क्लिक न करने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कन्फर्म करके सेव आपको क्लिक करना है। गति एवं दक्षता परीक्षा का समस्त मूल्यांकन प्रोग्रामिंग विधि से किया जाता है, अतएव अभ्यर्थियों को, ये सारी बात हो गई क्या, अतएव अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे प्रश्न पत्र में निर्देशित टास्क के अतिरिक्त कोई नया फील्ड इंसर्ट करने, एंटर कुंजी को दबाने अथवा कोई अन्य शब्द या कैरेक्टर को इंसर्ट ना करें। जितना आपको बताया गया उतना ही करें आप। आपको लग रहा है यहाँ पर तो मिस्टेक है, वहाँ पर एप्पल की स्पेलिंग सर गलत लिखी हुई थी, मैं सही करके आया हूँ सर, सही नहीं करनी थी भाई तुझे, गलत लिखी हुई तो गलत पढ़ी रहने दे, है ना। आपको उतना ही करना है जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अतएव अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे प्रश्न पत्र में निर्देशित टास्क के अतिरिक्त कोई नया फील्ड इंसर्ट नहीं करें। ऐसा करने से कंप्यूटर की डिफॉल्ट सेटिंग में परिवर्तन हो सकता है तथा अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत टास्क सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने के पश्चात भी उनके उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक चरण की अवधि का सजगता से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित समय पूरा होने के पश्चात प्रोग्राम ऑटोमेटिक रूप से स्वतः क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये थे आपके इंस्ट्रक्शन। अब जो इंस्ट्रक्शन आपने देखे हैं उनमें कौन कौन सी बातें आपको समझ में आई है और कौन सी बातों पर आज से ही आप काम करना चालू करेंगे, बताइए कौन सी बातें हैं जिन पे आज से ही काम करना चालू करना है। सबसे पहला बिंदु जो आपका एक पर्टिकुलर टाइम है, एडमिट कार्ड तो सबने देख लिया है और जो एडमिट कार्ड में आपके टाइम आया है उस टाइम के साथ आज से ही आप काम करना शुरू कर दीजिए। तो एक बिंदु तो यह है जो टाइपिंग है वो आप पर्टिकुलर टाइम के साथ मिनिमम, वैसे मैंने 2 बताया, अगर आप 5-5 लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मैं मिनिमम 2 बता रहा हूँ, 2 हिंदी के टेस्ट और 2 इंग्लिश के टेस्ट आप ज़रूर लगाएं और दोनों की अवधि 7 मिनट रखें आप, 7 मिनट अवधि के पीछे का कारण है कि ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करें जब 5 मिनट का देवे तो, ठीक है। तो पहला काम तो ये करना है कि आपको टाइपिंग जो है
वो टाइमिंग के साथ में दो हिंदी दो इंग्लिश के मिनिमम टेस्ट लगाने हैं, और दोनों का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, 7-7 मिनट के दोनों टेस्ट लगाने हैं। दूसरा काम क्या करना है, मैं अभी भी आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि अभी भी आप उस लाइन पर ध्यान मत दीजिएगा, किस पर, कि लिमिटेड ब्रेक स्पेस अलाउ है। आपको कहीं लगता है कि हाँ भाई मेरी स्पीड बहुत धीरे चल रही है सर, और गलतियाँ ज़्यादा हो रही है, आपको ऐसा फीलिंग आए तो आप कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप नहीं करेंगे तो स्पीड बहुत अच्छी रहेगी। आपको लगता है मेरी स्पीड सर एक्यूरेसी की वजह से ख़राब हो रही है, कुछ बच्चे हो सकते हैं ऐसे जिनकी ग्रोथ 60-65 चल रही है और स्पीड 40-35 आती है, ऐसे बच्चे लिमिटेड ब्रेक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि मेरी एक्यूरेसी जो है वो 80 से नीचे चलती है सर, अगर आपकी एक्यूरेसी 80 से नीचे है तो आप लिमिटेड ब्रेक स्पेस यूज़ करके उसको इम्प्रूव कर लीजिए, ये एक सुनहरा मौका है। अब इसके बाद में तीसरा बिंदु एफिशिएंसी, अब तक हम जितनी भी कर रहे थे उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट था एफिशिएंसी का, वो था कि जब हम उसको सॉल्व करते थे तो हम ऑन स्क्रीन क्वेश्चन देखते थे और वहीं से सॉल्व करते थे। थोड़ा सा मेथड बदलना है, इस संडे को आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। अब आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो मोबाइल सामने रख लेंगे, क्योंकि पेपर, मुझे लगता है पेपर कोई यूज़फुल क्राइटेरिया नहीं रहेगा, एक दिन मिलेगा दूसरे दिन वो पेपर कहीं और होगा, और हो सकता है 2-4 दिन में तो ऐसा आप भूल ही जाए कि पेपर दिया भी था क्या आपको। मोबाइल में चीज़ें स्टोर रहेगी, आपके टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप उस पीडीएफ में कभी भी जब आपको बैठना हो, शाम को 8 बजे बैठिए, 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अगले 15 दिन अगर आप इसे कंटिन्यू कर लेंगे, हर दिन वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैं इजी से इजी और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है इन 100 क्वेश्चन में अवेलेबल करवाऊँगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है वो भी, और बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो भी। बात समझ में आ गया? तो इसलिए वो 100 के 100 क्वेश्चन आप निकालिए और अच्छे से निकालिए। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, और बाकी आपको सारी बातें पहले से पता है। जब आप एग्ज़ाम मोड में जाते हो तो उसमें वैसे ही टेस्ट ओपन होता है जैसा इसमें बताया गया है। आप अगर एग्जैक्टली ये वाला पैटर्न फॉलो करना चाहते हो तो एग्ज़ाम मोड पहले से दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे। आप जब सोनी ओपन करते हो तो उसमें एग्ज़ाम मोड 2017 लिखा हुआ आता है, तो वो सेम डिटो पैटर्न आप चाहे तो उस पर जाकर अप्लाई करके एग्जीक्यूट करवा सकते हो। 5.2 का जो वर्जन है उसमें थोड़ी सी एक इश्यू है, वो बीच में से लाइन मिस कर देगा अगर आप 2-3 से ज़्यादा एरर करेंगे, ठीक है। तो इस मोमेंट में अगर आपको लगता है जेन्युइनली कि मुझे इसको चेंज करना चाहिए तो आप 5.1 पे जा सकते हो, एग्ज़ाम मोड्स में बिल्कुल ठीक मिलेगा आपको, अगर आपको लगता है। बाकी मुझे नहीं लगता जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि अब आप ज़्यादा सजगता से करते होंगे, और जब आप ज़्यादा सजगता से करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो किसी भी बच्चे के कोई भी डाउट है तो बताइए। टाइपिंग में एंटर कहीं काम में नहीं लेना सर। अच्छा, हो जाता है तो कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो गया है बेक, मान लीजिए स्पेस डबल टाइम प्रेस हो गया, एंटर प्रेस हो गया, तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू लगे रहिए, जहाँ पर आपने छोड़ा है वहीं से आगे आप कंटिन्यू चलिए। और कोई क्वेश्चन किसी का? ऑल्ट की फ़िलहाल हमारे पास ओल्ट की को लेकर कोई भी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है, अभी जितना अपन ने देखा है, तो मे बी ओल्ट की अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके लिए मे बी एक इंस्ट्रक्शन हमारे सामने अवेल हो जाता, और हो भी जाएगी तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ मुश्किल से 15-20 ओल्ट की है पूरे पैराग्राफ में, 1-2 मैक्सिमम 4 या 5, तो इसको लेकर घबराए नहीं, वो 4-5 आप ध्यान में रखें। और या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि सर मैं ओल्ट की यूज़ ही नहीं करना चाहता हूँ, तो उस वर्ड में
आप एल्ट की वाले पोर्शन को जो है वो स्कीप कर दीजिए, बाकी पूरा लिख दीजिए। ये मेरी इस लाइन का मतलब क्या था, आप शायद अलग समझ रहे हो और मैं अलग बात बता रहा हूँ। मेरी इस लाइन का मतलब ये था कि आपको चांद लिखना है, ठीक है, तो आप चे लिखिए, आ लिखिए, ये वाला जो है इसकी जगह ए लिख दीजिए और फिर द लिख दीजिए। पता है इससे फायदा क्या हो रहा है, हाफ एरर काउंट हो रही है, डिक्टेशन पूरी जा रही है कि स्ट्रोक में एक दो तीन चार की स्ट्रोक पूरा काउंट होगा। अगर आप डायरेक्टली इस वर्ड को स्केप कर दोगे तो ये तीन जो स्ट्रोक है उसका लॉस भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने छोटा एग्जांपल दिया है, हालांकि अगर जो वर्ड है वो पांच लेटर से बिलो है स्किप करना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन पांच कैरेक्टर से, पांच की स्ट्रोक से अगर बड़ा है तो उसको लिखना फायदेमंद होता है, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, असामाजिकता, उसमें मान लो कोई कहीं पर स्पेशल की आ गया तो वो बड़ा लंबा शब्द है। ऐसे जो लंबे, सावधानी पूर्वक, इस तरह के जो शब्द होते हैं कंप्लीट बड़े शब्द, उनमें उसको लिखना बेहतर होता है। जहां पर आपको लग रहा है यहाँ स्पेशल की आ रही है वहां पर कुछ और डाल दीजिए, वो हाफ एरर में काउंट होगा, की स्ट्रोक पूरे काउंट होंगे, ठीक है। और आपको लगता है नहीं सर मुझे तो स्कीप ही करना है, कुछ लिखना ही नहीं शब्द में, आपकी चॉइस है, वो अभी आप कर सकते हैं। तो भी हाफ एरर होगा, लेकिन की स्ट्रोक एक एक्स्ट्रा काउंट हो गया ना, की स्ट्रोक एक एक्स्ट्रा काउंट हो गया। अगर आप ये लिखो सिर्फ, तो ये भी हाफ एरर है। की स्ट्रोक कितने में, एक दो तीन, लेकिन अगर आप ये लिख रहे हो तो की स्ट्रोक कितने हो गए, है दोनों ही हाफ एरर, लेकिन की स्ट्रोक का तो फायदा मिलेगा। इसलिए है जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो अक्षर तो एक ही आ रहा है उससे, तो अक्षर को चेक करेगा वो ये नहीं देखा कितनी बार कौन से बटन प्रेस हुए, उन बटन को प्रेस करने के बाद क्या एग्जीक्यूट हुआ, वो सिर्फ उसको चेक करेगा। और किसी के कोई डाउट तो अगले, बता तो दिया अभी कीबोर्ड, तो गलत गलत बात है, आप 2 बजे आना चाहिए आपको यहाँ पर। कीबोर्ड नहीं बताया मैंने, कीबोर्ड के लिए मैंने आपको बोला है 2 दिन रुकिए, कीबोर्ड आपको बताया जाएगा, आपको फोटो दिखाई जाएगी कीबोर्ड की, ठीक है, ये कीबोर्ड है इसी पे करना है आपको, टेंशन मत लीजिए आप उसके लिए, है ना। सारी कॉलेज नहीं, कॉलेज ही एक ही है, हाँ सेम होगा, सेम नहीं 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 सब पूरी लैब में एक ही सेम कीबोर्ड सेम सिस्टम होगा, ठीक है। जितने लैब्स होते हैं यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस है, जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे वो सिमिलर प्रोडक्ट होना चाहिए, उसमें डिफरेंशियल डिफरेंस जितने भी प्रोडक्ट के आते हैं उनको चेंज करवाना पड़ता है, ठीक है। तो सब में सेम कीबोर्ड होगा, सेम कंप्यूटर आपको मिलेंगे। और कोई प्रश्न है, है जी, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप वापस उसी को कर रहे हो वापस सही हो रहा है, इसका मतलब वो एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, वैसा एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो वो, अगर नहीं आ रहा तो हर बार गलत होगा, और सही हो रहा है दूसरी बार सही हो रहा है, इट मीन्स अच्छी बात है, वो सही है, ठीक है। तो अभी 2 लेब आ गए, अब मैं आगे वाले 2 लेब के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है।